तो दोस्तों मोटरोला ने लॉन्च तो कर दिया है, मेरे को पता लगा था पर मैं वीडियो बना नहीं पाया, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं बना पाया यार, क्योंकि बहुत सारा काम होता है यार, जॉब भी करता हूँ वीडियो भी बनाता हूँ, तो थोड़ा लेट वीडियो आता है पर आता ज़रूर है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मोटरोला G14 फ़ोन जो है लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दे रहा होगा। इसी फ़ोन के बारे में पूरा स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि इस फ़ोन में मोटरोला क्या क्या लेकर आया है, ये सारा कुछ बताऊँगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास। जी हाँ दोस्तों, मोटरोला G14 फोन जो लॉन्च किया है ये बहुत ही सस्ता देखने को मिलने वाला है, यानी मैं कहता हूं कि अगर आप 128 GB इंटरनेट स्टोरेज वाला लेना चाहते हैं फोन, तो ये फोन काफी बेस्ट होने वाला है, वो भी 10,000 के करीब में। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ 10,000 के लॉन्च किया है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, 10,000 का फोन है पर आपको 4 GB के साथ 128 GB इंटरनेट स्टोरेज मिल रहा है इस फोन में। तो अभी फिलहाल बहुत सारी बातें बताऊंगा इसी फ़ोन के बारे में। ये फ़ोन फिलहाल इतने का ही है, 128 GB मिलेगा आपको 10,000 में, सिर्फ 10,000 में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं इसी फ़ोन के डिस्प्ले साइज से। तो डिस्प्ले साइज मिलने वाला है 6.5 इंच की Full HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दे रहा होगा, काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले के साथ देखने को मिलने वाला है, जो कि 16Hz की रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाएगा। यही डिस्प्ले काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो रिफ्रेश रेट है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा इतने कम प्राइस रेंज में। और प्रोसेसर की बात करूँ दोस्तों, तो प्रोसेसर जो है वो आपको काफ़ी डिफरेंस प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। जी दोस्तों, यूनिसॉक्स T616 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दे रहा होगा, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर के साथ देखने को मिलने वाला है यही फ़ोन, जो कि 4G को सपोर्ट करता है यही फ़ोन। जी दोस्तों, ये 4G फ़ोन है, 5G समझ कर मत लीजिएगा इस फ़ोन को, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि 9,999 रुपये में 4G फ़ोन ही मिलेगा, वैसे 5G फ़ोन मिल जाएगा, उसका भी वीडियो बहुत सारे बना चुका हूँ मैं, अगर आप 5G फ़ोन लेना चाहें तो वो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं, पर 10,000 में नहीं, 12,000 से स्टार्टिंग प्राइस में मिल जाएगा आपको 5G फ़ोन। पर ये फ़ोन जो है 4G फ़ोन है, अगर आप 10,000 के रेंज में ही फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन ले लीजिएगा, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाएगा 4G फ़ोन। और रैम की बात करूँ दोस्तों, तो रैम मिलने वाला है 4GB का, स्टोरेज मिलने वाला है 128GB का, जो कि 1TB का आप मेमोरी कार्ड डाल पाएंगे इस फोन, यानी 1TB का SD कार्ड सपोर्ट करता है यही फ़ोन। और बैक कैमरे की बात करूँ दोस्तों, तो दो रियर कैमरे के साथ देखने को मिल जाएगा, यानी फर्स्ट कैमरा जो मिलने वाला है वो 50MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा, और जो दूसरा मिलेगा वो 2MP का मैक्रो सेंसर कैमरा के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आप इसी फ़ोन के मेन कैमरे से वीडियो बनाते हैं तो Full HD वीडियो बना पाएंगे, और अगर आप फोटो लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया फोटो ले पाएंगे। और फ्रंट कैमरे की बात करूँ दोस्तों, तो 8MP का पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी बढ़िया वीडियो बना पाएंगे और काफ़ी बढ़िया फोटो ले पाएंगे फ्रंट कैमरे से। और नेटवर्क कैपेसिटी की बात करूँ दोस्तों, तो 2G 3G 4G को सपोर्ट करता है यही फ़ोन, और सिम स्लॉट जो है आप 2 SIM कार्ड ही डाल पाएंगे, SD कार्ड एक साथ में नहीं डाल पाएंगे इस फ़ोन में, यानी स्टैंडर्ड सिम स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा आपको, अगर आप SD कार्ड डालते हैं तो 1 SIM कार्ड डाल पाएंगे, और अगर आप 2 SIM कार्ड डालते हैं तो आप SD कार्ड नहीं डाल पाएंगे। और बैटरी लाइफ की बात करूँ दोस्तों, तो 5000mAh की बैटरी लाइफ के साथ देखने को मिलने वाला है यही फ़ोन, और साथ में आपको 20W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। जी दोस्तों, डब्बे के साथ ही देखने को मिल जाएगा 20W का फास्ट चार्जिंग। और ये फ़ोन दोस्तों लॉन्च हो चुका है, ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है, और प्राइस की बात करूँ दोस्तों, तो ये फ़ोन जो है फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है 9,999 रुपये में, अगर आप ये फ़ोन लेना चाहें तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं अमेजोन से। तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए ही इतना मेहनत करते हैं यार, तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।